देखो मेरा नाम सुशीला है, मैं शेखर नगर में रहती हूँ। मैं 30-40-50 साल हो गए जब से मैं कचरा बीन रही, जब से मेरे को होश आया जब से मैं कचरा बीन रही हूँ। और जब तक नगर निगम वाले कोई नहीं थे जब हम कचरा बीनते थे, आधे लोगों ने तो हमारी पूरी जिंदगी गई कि हम कचरा बीनते बीनते आप तक आ गए। अब मेरे पीछे तो आदमी भी नहीं, कोई भी नहीं, मैं विधवा हो रहा। हमने क्या कमाना और क्या खाना, हमारे बच्चों को क्या खिलाना। 300 ग्राम पहुंचाते, बोलते 300 ग्राम जाओ, 300 ग्राम खाए के लिए जाए तो 200 रूपये भाड़ा खा से लाए, 500 रूपये कमाएंगे, 100 रूपये किराए भाड़े में देंगे तो उसमें ना, ना आने जाने का साधन है। बोलते अस्पताल है, अस्पताल है, अस्पताल में कोई देखते भी नहीं, ना अस्पताल खोला, ना कोई गाड़ी वाला आता, ना कोई वो आता है ले जाने के लिए। अब विधवा औरत ने क्या करना चाहिए, 5 बच्चे खाने वाले, और उसमें क्या है। और बोलते कि 300 ग्राम में जाती, जो भाईओ ने वो भाईओ बोलते हमने, हमारा ठेका है, तुम काय के लिए बीच में आए। 40 साल से हम कचरा बीन रहे और 2 साल में ये सच्चा बयान आए, तो फिर हमने इसमें क्या करना चाहिए। हमको पेट के लिए देखना है कि नहीं। दो साल में हमको भगा रहे, हमारे बोरे बीरे छीन रहे और बोलते कि नौकरी दिखना मत, फिर हमारे बच्चों के हमने क्या जहर खिलाना क्या।